पृथ्वीपुर के पास एसयूवी के पेड़ से टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई। एसयूवी की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाहन तो चूर चूर हुआ ही है, एसयूवी में लगे एयरबैग खुले लेकिन वे भी फट गए, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। निवाड़ी जिले में बीती रात पृथ्वीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर विशनपुरा तिगैला के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई। हादसा एसयूवी वाहन के पेड़ से टकराने से हुआ है। हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी को काट कर युवकों के सब बाहर निकालने पड़े। जानकारी के अनुसार बीती रात 4 दोस्त पार्टी करने ग्राम नेगुआ के पास स्थित ढाबा पर गए थे। रात्रि करीब 11 बजे यहां से खाना खा कर यह युवक अपने घरों के लिए वापस निकले। यह विशानपुरा तिराहे के पास पहुंचे ही थे कि एसयूवी वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराए। बताया जा रहा है कि पेड़ में एसयूवी के बीच का हिस्सा लगा और इससे परछक्के उड़ गए। पुलिस ने जब वाहन को देखा तो परेशान हो उठे। तत्काल ही पुलिस ने कटर सहित तमाम औजार बुलाकर वाहन के गेट काट कर जैसे जैसे इसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में दीपक यादव उम्र 32 वर्ष निवासी सरसौरा, नरेंद्र यादव उम्र 30 वर्ष मोहनपुरा, विनोद यादव कनौरा उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साहब सिंह उम्र 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी में सेफ्टी के लिए लगे एयरबैग भी खुलकर फट गए थे। एसडीओपी पृथ्वीपुर संतोष पटेल ने बताया कि पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही, जांच के बाद ही कारणों का पता लग सकेगा। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम फैला हुआ है। कनौरा की बेतवंती वाहन की गाड़ी